अब ये संयोग है या प्रयोग, ये आप खुद ही डिसाइड कीजिए, क्योंकि जहां भी कोई आतंक होता है या नारेबाजी होती है, फिर झगड़े झमेले होते हैं, राइट्स वगैरह होते हैं, वहां जो है सीधा कनेक्शन निकलता है किसका, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, आप लोग समझदार हैं कि किसका कनेक्शन और कौन से लोग जुड़े होते हैं ऐसे आतंकी नारों में और झगड़े झमेलों में। ठीक, तो ये जो आदमी नजर आ रहा है आपको खुले आम फायरिंग करते हुए, वो भी पुलिस की मौजूदगी में नल्हार शिव मंदिर के अंदर से, मंदिर जो कि एक पवित्र जगह होती है जहां लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं, उस जगह में ये आतंकी कारनामे चल रहे थे। तो इस आदमी का नाम है अशोक बाबा, जो कि फरीदाबाद बजरंग दल का कार्यकर्ता है, और इसने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उसने हरियाणा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर मूलचंद शर्मा से मीटिंग करते हुए अपनी पिक डाली, और इसके साथ जितने भी आपको ऑरेंज ऑरेंज टी शर्ट, ओह सॉरी, भगवा 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 कलर में जितने भी टी शर्ट नजर आ रहे हैं, सारे उसी दल से जुड़े हैं, यानी कि ये सारे जो हैं ये कार्यकर्ता गुंडे हैं, सीधे और सरल अल्फाज में। और सबसे अहम बात आपको बता दूं कि मोनू मानेसर, याद है ना, नासिर जुनैद का कातिल, जिसने नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया था कार में, हाँ वही मोनू मानेसर जो एक इंसान नुमा जानवर है, जानवरों को बचाते बचाते पूरे का पूरा वो जानवर बन गया। जी हाँ, तो आपको बता दूं ये जो अशोक बाबा है ना, इसकी बहुत सारी वीडियोस जो हैं उस मोनू मानेसर के साथ शेयर करते हुए अगल बगल मिलेंगी आपको, मोनू मानेसर के साथ। जैसा कि आप सबों को पता है, वीडियो काफी वायरल भी हुई थी, मोनू मानेसर ने खुद अपनी वीडियो जारी करते हुए ऐलान किया था कि वो बहुत जल्द मेवात में होगा, याद है ना, जी हाँ, और कहा था बाप तो बाप रहेगा, गोली वोली चलेगी, गोली पे गोली चलेगी। जब इन लोगों की वो सिंपल और धार्मिक रैली थी तो फिर इस तरह की बात क्यों कही गई कि गोली गोली चलेगी, इनकी धार्मिक यात्रा थी तो फिर बड़े हैरत की बात है कि ये सब क्यों कहा गया कि गोली पे गोली चलेगी, बाप तो बाप होता है। और मेवात में राइट होने से ठीक एक दिन पहले ये सारी वीडियो जारी की गई और सारी बातें कही गई। अब डिसाइड आप खुद कर लीजिए, है ना, इतनी तो अकल समझ है ही, है ना, क्यों कही गई, कौन किससे जुड़ा है, आतंकी दरअसल है कौन, पत्थरबाज कौन है, देश का माहौल कौन खराब कर रहा है, और देश का गद्दार असल में है कौन। जी डिसाइड आप कीजिए, हो सके तो कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से जवाब भी दे दीजिएगा। ठीक, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।